जी से इसकी नस ब्लॉक हो गई थी, और सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की, और पूरी कलेसियों की जय मसीह की। हालेलुया, मेरी ये गवाही है कि ये लड़का जैसे अस्पताल में मर चुका था, डॉक्टर ने बोला कि इसको अब घर ले जाओ, तो इसके पापा भी होश होके गिर गए थे, तो मेरे पास फोन आया कि ये लड़का मर चुका है, बस 5 मिनट के अंदर में इसके धड़कन अगर चल गई तो ठीक है, नहीं तो इसको वापस घर पे ले जाओ। फिर उसके बाद मैंने चर्च में फ़ोन लगाई, 11 रात के बज रहे थे, तो सामने दीदी बैठी है, उन्होंने प्रार्थना किया, तो उसके बाद इसकी 70% पे, 0 पे थी इसकी धड़कन, और खून अंदर नहीं जा रहा था, उसको जो नस के अंदर खून ऊपर जा रहा था, नीचे नहीं जा रहा था, इसके सांस जैसे निकल चुकी थी। फिर दीदी ने प्रार्थना की यार, तो उसके बाद इसकी धड़कन चलने लगी, खून भी इसके इस लड़के के अंदर खून भी चलने लगा। फिर उसके बाद मशीन भी उठा लिए, मशीन भी 70% पे आ गई, तो फिर उसके बाद डॉक्टर जल्दी जल्दी इसके इलाज चालू कर दिए, और सारे स्टाफ जो डॉक्टर वाले थे वो डॉक्टर सारे हैरान हो गए, 2 दिन तक हैरान ही रह गए कि इस बच्चों को, ये तो मर चुका था तो ये जिंदा कैसे हो गया, इस बच्चों को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। हालेलुया। आप हॉस्पिटल में थे, आप कहाँ से आए हैं? हम आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ यूपी से हैं? यूपी से। ओके, तो अब यहाँ यहाँ आए हुए थे आप? हाँ, चर्च में आए हैं सूजी के। तो हमारा बच्चा, कौन सा बच्चा? यही हमारा बच्चा वीरू है, ये बच्चा। हाँ, तो हाँ क्या हुआ था? बच्चे का पूरा नस ब्लॉक हो गया था, खून नहीं बन रहा था, हमने इसको 19 बॉटल खून चढ़वाया। 19? हाँ, 19 बोतल। हाँ, गांव में चढ़वाया। अच्छा, लड़का को कोई फायदा नहीं हुआ। यूपी में चढ़वाया। हाँ, 19 बोतल खून चढ़वाया, ध्यान से सुनिएगा, और वहाँ यूपी में कोई फायदा नहीं हुआ। फिर बहन जी बताएं कि आप चर्च में लेकर आइए, तो हम यहाँ पर चर्च में लेकर आए, तो हमारा बच्चा जो है ठीक हुआ। तो अभी क्या हुआ था, जो ये हॉस्पिटल वाली बात क्या हुआ? हॉस्पिटल में बच्चा एकदम, ये मानिए बच्चा मर चुका था, लेकिन यीशु जी का पटना दुआ किए तो बच्चा ठीक हो गया। नहीं, इसमें लिखा है कि उसकी हार्ट बीट जो थी, दिल की धड़कन जो थी, सब बंद हो गया था। दिल की धड़कन बंद हो गई थी, सब बंद हो गया था जब बच्चे, मतलब को कैसे पता चल रहा था दिल की धड़कन बंद हो गई? डॉक्टर ने रिफर कर दिया था वहाँ से। ओके, हाँ, फिर हम सरकारी हॉस्पिटल फिर वहाँ से लेकर आए, प्राइवेट में भर्ती किए थे हम। और कौन था आपके साथ, और कौन था? हम थे, हमारी माँ, हमारी बच्चा। आप भी साथ पास में थे? आप साथ में थे, तो उस आप लोग भी साथ में थे, तो वो मतलब उसकी, जिसकी बच्चे की धड़कन बंद हो गई थी, धड़कन बंद हो गई थी पूरी तरह से, बंद हो गई थी। हाँ, पूरी तरह से बंद हो गई थी, उसने रिफर कर दिया था वहाँ से। धड़कन भी बंद थी, और जैसे खून जो नस में जाता तो वो ऊपर जाता, वो चढ़ता ही नहीं बिल्कुल खून, तो उसके जो मतलब खून चढ़ा रहे थे, जो हाँ जो खून चढ़ा रहे थे वो खून चढ़ना बंद हो गया, चढ़ना ही बंद हो गया था। जब धड़कन ही बंद होगी तो खून कहाँ से चढ़ेगा, जब नस। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करें सब लोग, वाही के लिए।
आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो खून की बोतल लगी हुई थी, बूंदे गिर रही थी, वो भी बंद हो गई, क्योंकि धड़कन जैसे वो बता रही है बहन कि जीरो होगी सी धड़कन, लेकिन प्रार्थना के बाद फिर वो 70 हो गई। प्रार्थना के बाद फिर वो 70 हो गई, 70 पे आ गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आज इस बच्चे को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, आपने इसे जीवन दिया है, आप जीवन भर इसकी रक्षा करें और प्रभु जी इस बच्चे को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हे परमेश्वर मसीह जी, अगर आपके आने में देरी है तो ये बड़ा होकर आपकी सेवा का कार्य करें। इसको प्रभु की सेवकाई के लिए दो, इसको परमेश्वर ने नया जीवन दिया है, ठीक है? और याद रखना, जैसे ये बड़ा हो प्रभु के लिए इसको दो, ताकि ये मेरी तरह परमेश्वर की सेवा करने वाला बने। ठीक है जी, ठीक है। वाओ, अद्भुत। हालेलुया। अद्भुत जीवन देने वाला परमेश्वर है। उस लड़की को नॉलेज है, वो कहती है जो धड़कन आपको भी पता है कि जब पेशेंट सीरियस होता वो लगी होती है, जब उससे पता चलता रहता है, नंबरिंग आती है मशीन पे भी धड़कन चल रही है और वो धड़कन जीरो हो गई, धड़कन बंद हो गई, खून की बोतल लगी थी, बूंदे चल रही थी, वही बंद हो गई, क्योंकि जान निकल गई, प्राण निकल गए। परमेश्वर मसीह हमारा अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को करने वाला है।